सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूर्णिया टू कटिहार। पूर्णिया नरेनपुर के बीच 1324 करोड़ की लागत से बन रहा 4 लेन सड़क कटिहार बाईपास का निर्माण कार्य तेजी गति से हो रहा है। साथ ही कटिहार से मनिहारी तक 4 लेन रोड कंप्लीट भी कर लिया गया है। इस सड़क के निर्माण से सीमांचल के विकास को एक नया आयाम मिलेगा और आधारभूत मूल संरचना का भी विकास होगा। 24 महीने के भीतर परियोजना कार्य का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कटिहार से मनिहारी तक कंप्लीट कर लिया गया है। मनिहारी में गंगा नदी पर बनने के बाद बढ़ेगी झारखंड से कनेक्टिविटी। सीमांचल में पूर्णिया नरेनपुर 47.04 किलोमीटर लंबाई वाले पूर्णिया नरेनपुर पथासन में 43.57 किलोमीटर पथासन को 4 लाइन में उन्नयन करना है, जबकि शेष 2.0 किलोमीटर 2 लाइन के साया पेम्ड शोल्डर विकसित करना है। इस परियोजना में 14.80 किलोमीटर लंबे कटिहार बाईपास रोड सहित 3 ROB, 20 बसवे, 2 ट्रक लंबाई और 5 स्थानों पर चतुर्भुजाकार सुधार के लिए प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित योजनाओं के लिए भू अर्जन का कार्य कर लिया गया है और पथ निर्माण के लिए बाधार रहित कार्य क्षेत्र उपलब्ध है। निर्माण के 15 वर्ष तक पथ की मेंटेनेंस का कार्य निर्माण कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। आपको बताते चले कि कटिहार से मनिहारी के बीच 4 लेन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन ROB का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं बसवे की अगर कुछ बात करें तो कुछ बसवे कंप्लीट कर लिया गया है। यह राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो बिहार झारखंड के बीच मनिहारी साहेबगंज बन रहे गंगा नदी पर पुल निर्माण के बाद राज्य के कोसी क्षेत्र को झारखंड से संपर्क जोड़ने का काम करेगा। साथ ही कटिहार जिले में अहमदाबाद के पास महानंदा नदी पर निर्मित पुल से होकर मालदा पश्चिम बंगाल के साथ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात थे कि पथ के निर्माण से सीमांचल के विकास को नया आयाम मिलेगा और आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।